राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना ने किया कप्तान ऑफिस का घेराव। मामला अम्बेडकर नगर जनपद से संबंधित है, जहां आज करीब 1 बजे दोपहर में राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने कप्तान ऑफिस पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय से मिलकर 3 महीने पहले हुई जलालपुर थाना अंतर्गत बालिका की हत्या के मामले में न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस संदर्भ में अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने सर्विलांस खबर को बताया कि हत्या में सम्मिलित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज आए हुए सभी लोगों को संतुष्ट करके वापस भेज दिया गया है। देखिए यह रिपोर्ट। अभी 3 तारीख को संजना गौतम संजना जी की हत्या हो गई मखदुमपुर। ये किस थाना क्षेत्र? जैतपुर थाना के अंदर है। संजना गौतम की 3 तारीख को हत्या हो गई, जिसमें हम लोग लो है एसपी महोदय मिले और हम उसमें FIR दर्ज हुई, 4 लोग जेल गए। हम लोगों ने कहा एसपी साहब उसमें ST धाराएं बढ़नी चाहिए, उसके बाद जो है 10 लाख कम कम मुआवजा मिलना चाहिए और उन लोगों की जो है जल्द से जल्द जो फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के फांसी से सजा दिलाई जाए। तो क्या उसमें सारे अभियुक्त गिरफ्तारी? जी, सारे अभियुक्त गिरफ्तार होकर जेल चले गए हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं पुलिस? अब हम पुलिस प्रशासन चाह रहे हैं कि उसमें जो है चार्जशीट में जो है ST जो धारा नहीं लगी है वो धारा बढ़े और 10 लाख रुपए मुआवजे हो, ST का मुआवजा 10 लाख रुपए और अभियुक्तों की जल्द जल्द पैरवी करके जो है फांसी। क्या पुलिस से कुछ हाथ तक भी हो यहाँ पर? हाँ, कुछ बातचीत हुई जो है ST की धारा है, तो पुलिस ने कहा हाँ धारा बढ़ेगी और चार्जशीट लग रही, धारा बढ़ेगी। 7 महीने को कार्यालय पर कुछ सुरक्षा कैसा क्या लगा है, देख रहे हैं क्या मामला है? जी, ये घटना घटी थी जलालपुर में और उसमें एक डावड़ी डेथ का मुकदमा लिखा गया था। ये राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना पार्टी के लोग थे, इनको पूरी जानकारी नहीं थी उस मुकदमे के बारे में। इनका ये कहना था कि साहब इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए और ST एक्ट लगाया जाए इसमें, जबकि अब जितने भी अभियुक्त हैं गिरफ्तारी हो चुकी थी और विवेचना प्रचलित है, विवेचना प्रचलित है, उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है, इनको इससे अवगत कराया गया, ये यहाँ से संतुष्ट होकर चले गए।